टाइम हुआ है 8:30। दूध प्रबंध मिलेगा, खुला मिलेगा भाई। यही तो बाइक का मजा है वो। आगे हरियाणवी छाके हरियाणवी रे, आग सी लगा के तुम ठाके हरियाणवी। यहाँ नहीं खाएंगे भाई। दोनों रेडी हो चुकी है, हम भी चलने को तैयार हैं। टाइम हुआ है 8:30। भाई साहब व्यू देखो, गजब। बीकानेर से जोधपुर की तरफ ना बोलो, दूध प्रबंध मिलेगा, खुला मिलेगा भाई। बंद मिलेगा 500। यही तो बाइक का मजा है, वही तो फायदा उठाना हमें। थोड़ी सी जगह मिली और निकल गए। कुछ मजा है तो कुछ सजा भी है मेरे भाई। टाइम हुआ 11 बजे हैं और मैंने सर्विस करवा ली, लगभग 35-40 मिनट लगी है। नोखा गांव में इन्होंने 400 रुपये तो तेल के लिए हैं, कैस्ट्रोल का जो तेल डाला है। 200 रुपये सर्विस चार्ज लिए हैं, 650 रुपये लिए हैं फिल्टर के चेंज के, 650 रुपये लिए हैं। तो बाइक सर्विस हो गई, दो दी, बिल्कुल रेडी हो गई है। अब पहले नागौर जाएंगे जो यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, उसके बाद वहाँ देखेंगे क्या क्या है। एक तो फोर्ट है और कुछ अगर देखने का होगा तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट निकल लेंगे हम जोधपुर की तरफ। आज का स्टे है जोधपुर में। ये नागौर से पहले कोई जंगल टाइप है क्या यहाँ पे? 4-5 हिरण देख लिए मैंने, कभी रोड के उस साइड दिख रहे हैं, कभी उस साइड दिख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं हिरण के। नागौर से जस्ट 30 किलोमीटर पहले, मौसम मस्त है। आगे हरियाणवी छाके हरियाणवी रे, आग सी लगा के तुम ठाके हरियाणवी। नागौर में कुछ ऐसे व्यू से स्वागत हुआ भाई। ये किस चीज की खुदाई कर रखी है भाई? फोर्ट कितनी दूर है? पहले फोर्ट को देख लेते हैं क्योंकि वो 1 बजे बंद हो जाएगा, फिर 2 बजे वापस खुलेगा, तो उसमें 1 घंटे का गैप हो जाएगा। अभी 12 के आसपास टाइम होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले फोर्ट देख ले, उसके बाद खाना खाएंगे। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। धान वन्य जीव क्षेत्र, सही कह रहा था भाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा था। ये वन्य जीव क्षेत्र है, यहाँ पे भी हर जगह हिरण ही छपा हुआ है। हिरण 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 हिरण। नागौर जिले में आप सभी का स्वागत है, कैमरामैन विकास के साथ। राजस्थान में तो सब कुछ किले दिख रहे हैं, स्कूल दिख रहे हैं, गड के गड। इतना लंबा चौड़ा ग्राउंड है, बहुत लंबा चौड़ा, उसके बाद कहीं जाके स्कूल है और बाहर से ऐसा लग रहा कोई किला होगा। गजब है यार, गजब। ये किला भाई, ये मंदिर है, ये नागौर का किला है। देखते हैं इसका मेन गेट कहाँ से है। ये मार्केट है साथ की साथ। अगर फोर्ट खुला तो फोर्ट देखते हैं, उसके बाद कुछ खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। कुछ और होगा तो यहाँ पे देखने के लिए, नहीं तो जोधपुर की तरफ। नागौर फोर्ट बंद है, खुला है वैसे घूमने के लिए, देखने के लिए बंद है। और कुछ है नागौर में देखने के लिए? वे बंद होंगी, किला बंद है। तो जोधपुर की तरफ जा रहा हूँ अब, यहाँ से 1.5-2 घंटे का राह है। 2 का दिखा रहा था, 2.5 का दिखा रहा था, पता ना, 2-2.5 घंटे का राह दिखा रहा है। और यहाँ पे नागौर में इतनी सख्ता है यार पुलिस वालों के, शनिवार एतवार का लॉकडाउन है ना, तो चलान कटान काटने लग रहे हैं दुकान वालों के, साथ में पुलिस वाली जगह है बहुत ज़्यादा। मैंने तो इतनी पुलिस देखी नहीं। नागौर से जोधपुर की तरफ जा रहा हूँ,
नागौर में बस एक किला था देखने के लिए जो आपने देख रहे हो, और ये बंद है। अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट जोधपुर। अगर जोधपुर के रास्ते में कुछ देखने के लिए आया या रोड अच्छा आया है कुछ बताने के लिए होगा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं तो डायरेक्ट जोधपुर जाके मिलते हैं। हाँ, रास्ते में खाना भी खाना है। यहाँ नहीं खाएंगे भाई, हम खाएंगे जहाँ खाट डली होगी, राजस्थानी फ्लेवर होगा। अगर आप बीकानेर से जोधपुर जा रहे हैं ना, तो बीच में एक नागौर आता शहर, उस नागौर में ये गौशाला है जो कि बहुत बड़ी गौशाला है। यहाँ पे फ्री में गोवा सेवा होती है, गो सेवा नहीं, यहाँ पे अलग से भी बहुत प्रकार के वन्य जीव हैं जिनकी यहाँ पे सेवा होती है। अगर कोई बीमार हो जाता है या किसी को कोई और बीमारी हो जाती है, एक्सीडेंट होती है, मेडिकल फैसिलिटी, डॉक्टरों की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, और यहाँ पर ठहर भी सकते हो। अगर आपको ठहरने के लिए कुछ कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर ठहर सकते हो। यहाँ पर 200 रुपये से रूम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर एक बंदा हो तो उसको 200 रुपये मिल जाता है, और अगर दो बंदे हो तो 350 रुपये मिल जाता है, जिसमें आपको चाय और नाश्ता भी मिलता है। तो एक टाइम का खाना हो गया और चाय हो गई 200 रुपये में। एक बंदा हो तो दो बंदे हो 350 में, जो कि बहुत ही सस्ता है। हमेशा गायों के लिए दिल चाय चारा गोदा में चारे से भर देते हैं, रोजाना एक दो गाड़ी खाली होती है। चारा भी देते हैं तो छान के देते हैं। ये यहाँ पे कंट्रोल में एम्बुलेंस के लिए जो लोग अभी इनका घर है कहीं नहीं जाते, दूध पानी की पूरी व्यवस्था है आराम से। साधन तैयार, जैसे ठाण इसके अंदर बैठा है, गाय चर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्सरे रूम है, गायों का एक्सरे होता है, एक्सीडेंट वाली गाय ज्यादा आती है। एक्सरे रूम है, आगे ऑपरेशन थिएटर है, गायों का ऑपरेशन होता है, छोटे छोटे ऑपरेशन तो बाहर भी हो जाते हैं, बड़े ऑपरेशन होते हैं। आंधी तूफान ऑपरेशन ऑपरेशन करने पर सारे अंदर रेल का ही देसी भाषा में अपने रोज रहा ज़्यादा बीमार होने पर या एक्सीडेंट होने पर वन विभाग की गाड़ी छोड़ के जाते हैं, इलाज करते हैं, उल्टे ठीक हो जाते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। दूसरा हमारी छोटे देते हैं, यात्रियों के लिए उसमें अंदर भी चाय पानी की व्यवस्था रहती है, कुछ प्रसाद भी मिल जाता है, और जो तक चाय पानी मिल जाए। आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन मैं तो आज जोधपुर जाने की सोच रहा हूँ कि अभी 2 बजे हैं तो मेरे पास अभी टाइम है। अगर मैं यहाँ 4 बजे बज रहे होते, 4-5 के आसपास भी टाइम हो जाता तो मैं यहीं रुकता, मैं नहीं जाता आगे। यहाँ से मंडोर 12 किलोमीटर रहता है और जोधपुर 21 किलोमीटर रहता है, तो मंडोर में भी कुछ देखने के लिए बता रहे हैं, देखते हैं क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा बंद मिलेगा। बाकी मौसम यार ज़बरदस्त हो रहा, देख लो बारिश आने वाली बिल्कुल, सुबह से मौसम ऐसा, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी धूप निकल आती थी, नहीं तो सुबह से मौसम ऐसा है। और बीकानेर में तो बारिश हो रही थी, गजब मौसम भाई। रेलवे स्टेशन ये मेरे नीचे है, मंडोर रेलवे स्टेशन मेरे राइट हैंड को नीचे, ये गजब व्यू भाई यहाँ पे भी, मौसम एक नंबर। और ये है मंडोर गांव, गांव है शहर, मंडोर शहर ही है। अब यहाँ पे एक मंडोर गार्डन दिखा रहा है, देखते हैं वो क्या है।